नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फैलो और आप सबका स्वागत करता हूं इस टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ों के बारे में। देखिए, एक वर्ड आप रेगुलर बेसिस पर सुनते होंगे, अगर आप स्मार्टफोन देख रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं या आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ सामने निकल के आती होगी, या जब भी आप स्टोर पे विजिट करते होंगे वो भी बंदा बोलता होगा, सर हमारे पास ये बेजललेस फोन है, ये बेजललेस फोन है। इंस्टेड आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, वहाँ भी आता होगा बेजललेस बेजललेस बेजललेस। मतलब हर जगह पे हर कंपनी अभी इसके पीछे भाग रही है कि कैसे करके उनका जो फोन है वो बेजल लेस हो जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली में बेजल लेस होता क्या है और क्या सही में बेजल लेस फोन एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर समझे हम बेजल लेस को, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फोन होता है उसके ऊपर दो चीजें होती हैं, आपको दो चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको एक बॉडी देखने को मिलती है जिसके अंदर आपका कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर या होम बटन ये सब होता है, और दूसरा आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जहां पे आपको एक्चुअली दिखता है कि आपके फोन के अंदर क्या डिस्प्ले आ रहा है। तो देखिए, दो चीजों में आपका जो फ्रंट स्क्रीन है वो कवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे बेजललेस क्या होता है कि अगर आप ये नीचे वाला पार्ट, मतलब ये जो व्हाइट पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट, ये भी व्हाइट पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉच और इसको बोलते हैं चिन। अगर नॉच और चिन को आप हटा दोगे यहाँ से, तो आपका फोन हो जाएगा बेजललेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके फोन का जो फ्रंट है वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे हम बोलेंगे कि एक्चुअली में आपका फोन जो है वो बेजललेस है। लेकिन अभी क्या है, अभी सारी कंपनीज बोलती है कि भाई हमारे फोन बेजललेस है, हमारे फोन बेजललेस है, लेकिन क्या सही में सारे फोन बेजललेस हैं? अभी ये कहना गलत होगा, क्योंकि बेजललेस फोन की बात करें तो उसका मतलब ये होता कि फोन के ऊपर कोई भी बेजल नहीं होना चाहिए। देखिए, बेजललेस पहले ऐसा कोई वर्ड सुनने को नहीं मिलता था, ये एक मिथ था, लेकिन 2017 का जो स्टार्ट आया वहां पे एक रेवोल्यूशन आया, और ये सबसे पहले हमें देखने को मिला LG G6 और Samsung S8 की तरफ से। तो वहां पे ये दोनों कंपनी जो है बेजललेस कॉन्सेप्ट के साथ आई, जहां पे हमको बेजललेस फोन देखने को मिले। तो यहाँ पे हर कंपनी ने ट्राई किया कि कैसे भी करके वो जो अपना डिस्प्ले साइज है उसको इंक्रीज करें। देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप फोन का जो साइज है उसको कितना बढ़ाओगे। मतलब एक स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन की कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आप इसको इतना एक्सटेंड करते जाओ, फोन को लंबा करते जाओ, फोन को चौड़ा करते जाओ, तो स्मार्टफोन से हटके एक फैबलेट बन जाएगा या फिर एक टैबलेट बन जाएगा। तो यहाँ पे कंपनीज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो ये बचा कि ये जो फोन है इसका अगर ऊपर नीचे का जो पार्ट है, बॉडी है, उसको रिमूव कर दिया जाए और पूरा स्क्रीन कर दिया जाए, तो फोन का जो साइज है अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि साइज इंक्रीज का मतलब होता है कि आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो इंक्रीज होना चाहिए, ना कि उसमें जो फालतू की बॉडी है इधर उधर वो इंक्रीज होनी चाहिए। और इसको एडॉप्ट करने के लिए सारी कंपनीज जो है वो पहले 16:9 के रेशियो पे फोन बनाती थी, लेकिन अब सारी कंपनीज 18:9 के रेशियो पे शिफ्ट हो गई। तो अभी जो आपको मैक्सिमम फोन्स दिखेंगे आने वाले टाइम में भी, वो कुछ आपको 18:9 के रेशियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई बेजललेस की बात। उसके बाद बहुत सारे फोन्स आए और बहुत सारे फोन ने क्लेम किया कि वी आर बेजललेस, लेकिन एक्चुअली में हम देखते हैं कि सारे फोन्स कितने बेजललेस थे। तो सबसे पहले हम बात करें एसेंशियल फोन की, तो 84.9% बेजललेस था। उसके बाद आया सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस जो कि 84% बेजललेस था। उसके बाद आया सैमसंग गैलेक्सी S8 जो कि 83.6% बेजललेस था। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो कि 83.2%, और फिर आईफोन X जो कि 82.9%, उसके बाद LG V30 जिसमें आपको 81.2% बेजललेस स्क्रीन मिली, और उसके बाद आया फाइनली Mi Max 2 जिसमें आपको 80.8% बेजललेस स्क्रीन मिली। तो फिर आप जो रेगुलर बेसिस पर सुनते हो कि ये फोन बेजललेस है, वो फोन बेजललेस है, ये एक गलत टर्म है, क्योंकि आप बेजललेस फोन नहीं कह सकते उसको। ये सब जो फोन आप देखते हो, ये बेजललेस फोन की बस शुरुआत है। आने वाले टाइम में 2018 में आपको बहुत सारे बेजललेस फोन दिखने वाले हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स की, तो LG और Samsung ऑलरेडी इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो अगला डिस्प्ले आए वो फुली बेजललेस हो, वहां पे मतलब कि आपका जो फ्रंट है वो पूरा का पूरा ग्लास हो और उसके अलावा वहां पे और कुछ ना हो। अब यहां पे चैलेंजिंग बात ये होगी कि अगर पूरा ग्लास आएगा आपके फोन के फ्रंट में, तो फिर देखना होगा कि क्या कमाल की चीज निकल के आती है, कि कैसे वो वहां पे कैमरे को और बाकी जो भी सेंसर्स होते हैं उसको वहां पे फिट करते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल टर्म बेजललेस फोन का। तो अगर आप अगली बार फोन खरीदे जाते हो और कोई बोलता है कि बेजललेस फोन है उसके पास, मतलब 100% बेजललेस फोन है, तो वो एक गलत टर्म यूज कर रहा है, तो आप उसके चाल में मत फंसना। बेजललेस फोन की बस अभी शुरुआत हुई है, बेजललेस फोन अभी आने बाकी है, जो आपको 2018 में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बेजललेस स्क्रीन एक्चुअल में क्या होती है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।